बोहड़ बंगले का नाम इस इमारत के हाता में मौजूद 400 साल पुराने बरगद के कदीम दरख्तों की वजह से दिया गया है, जिसको मुकामी ज़ुबान में बोहड़ कहा जाता है। इसलिए ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी बोहड़ बंगले के नाम से जाना जाता है। इन्हीं बोहड़ के दरख्तों के हाते में नवाब साहब लोगों से मुलाकात भी किया करते थे। शाहाना तर्ज ज़िंदगी रखने वाले मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर नवाब ऑफ कालाबाग मलक अमीर मोहम्मद ख़ान, जिन्हें पाकिस्तान की तारीख हमेशा याद रखेगी, नवाब ऑफ कालाबाग अपने रोब दबदबे और तर्ज हुक्मरानी की वजह से आज तक मशहूर हैं। इन्होंने ही 1934 में इस बंगले को बतौर मेहमान खाना तमीर कराया, जो कि अभी तक इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बंगले की दीवारें और डिज़ाइन तारीखी शान व शौकत का मुंह बोलता सबूत है। इस बंगले की एक ख़ास बात यह भी है कि नवाब ऑफ कालाबाग अपने तमाम तर सियासी फैसले इसी बंगले में ही किया करते थे, इसीलिए आज तक ये रवायत टूटने नहीं पाई। और कहा जाता है कि मियांवाली की सियासत में इस बोहड़ बंगले को मरकजी हैसियत हासिल है, क्योंकि ज़िला की सियासत में जो भी फैसला बोहड़ बंगले में कर दिया जाए वही फैसला पूरे ज़िले का फैसला माना जाता है। दरियाए सिंध के किनारे घने दरख्तों के झुरमट में वाकया ये सफ़ेद तारीखी इमारत अपने अंदर बहुत सी तारीख को समोए हुए है। 15 सतूनों पर खड़ी ये इमारत और इसकी बैरूनी बनावट नवाब साहब के ज़ौक को जाहिर करती है और सादा तर्ज बनाने के साथ साथ खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। बंगले के सहन से दरियाए सिंध के खूबसूरत नज़ारे के साथ साथ कालाबाग के पुल का नज़ारा भी दीदनी होता है। मलका अलिजबत से लेकर परवेज़ मुशर्रफ तक और ख़ास तौर पर पंडित जवाहर लाल नेहरू, सऊदी अरब के शाह फैसल समेत कई मुल्की और गैर मुल्की सफ़ीर और वज़रा बतौर मेहमान इसमें क़याम कर चुके हैं। दाखली दरवाजे के बाएं जानिब लगा हुआ ये निशान जाहिर करता है कि बोहड़ बंगला दो बार सैलाब जैसी कुदरती आफतों का सामना कर चुका है, यानी नीचे वाली सुर्ख लाइन तक 1976 में सैलाब आया था, जबकि 2010 में ऊपर वाली सुर्ख लाइन सैलाब की बुलंद तरीन सतह को जाहिर करती है। ये कश्ती ख़ास तौर पर नवाब ऑफ कालाबाग की फैमिली और उनके ख़ास मेहमानों के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आप दरियाए सिंध में कश्ती में सैर कर रहे हैं तो बोहड़ बंगले का नज़ारा कुछ ऐसा होता है।
बोहड़ बंगले के साथ साथ ये हरे भरे दरख्त और इसके साथ बना हुआ बाग इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा करता है। बंगले के साथ बनी हुई ये इमारत भी मेहमान खाना है और ये बोहड़ बंगले के साथ ही तामीर की गई और ये इसी का ही हिस्सा है। बोहड़ बंगले से रात के वक्त कालाबाग पुल से गुजरती हुई ट्रैफिक का नज़ारा भी दीदनी होता है। बंगले के सामने से दिन में कई बार बहुत सी कश्तियों का गुजर होता है और यकीनन बोहड़ बंगला गुजरने वाले तमाम सियाहों को अपनी तरफ मतवज्जह करता है। ये बोहड़ बंगले का अकबी हिस्सा है जिसके सामने एक खूबसूरत फवारा और दोनों अतराफ खूबसूरत बाग बनाए गए हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ इस बंगले के अंदरूनी हिस्सा में। बंगले के अंदर दाखिल होते ही इसकी आराइश देखकर नवाब ऑफ कालाबाग के आला ज़ौक की याद दिलाती है। साथ ही इसमें नवाब साहब की ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें भी रखी गई हैं। कीमती फानूस से जगमगाता मेन हॉल इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा करता है। इस तस्वीर में नवाब मलक अमीर मोहम्मद खान की बतौर गवर्नर लाहौर के गवर्नर हाउस का नक्शा खींचा गया है। ये तमाम तस्वीर ये जाहिर करती हैं कि दुनिया की मशहूर शख्सियात इस बंगले का दौरा कर चुकी हैं। ये तलवार जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ से बतौर तोहफा पेश की गई थी। बंगले में रखी गई तमाम तारीशियां और नवादरात गैर मुल्की मेहमानों की तरफ से पेश किए गए तहाइफ हैं। अब चलते हैं अंदरूनी गैलरी में जहां से दो और दूसरे कमरों की तरफ रास्ता निकलता है। इस गैलरी में भी गैर मुल्की मेहमानों की तस्वीर और वसूल किए गए तहाइफ रखे गए हैं। दीवार पर लगी हुई मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है कि इस बंगले की ना सिर्फ गैर मुल्की बल्कि मुल्की सतह पर भी बड़ी बड़ी शख्सियात मेहमान बन चुकी हैं। नवाब साहब के हाथों से शिकार होने वाले इस मारखोर को हमेशा के लिए महफूज करके इस बंगले की जीनत बना दिया गया। मेन हॉल से दाएं तरफ ये कमरा ख़ास तौर पर सदर और वज़ीर आज़म के लिए मुख्तस है और इस कमरे में बड़े बड़े मुल्की और गैर मुल्की लीडर्स क़याम कर चुके हैं। इसके साथ साथ इस कमरे में नवाब साहब के ज़ेर इस्तेमाल बहुत सी अशिया भी रखी गई हैं। इस कमरे में रखी गई सबसे ख़ास ये तस्वीर जिसमें नवाब ऑफ कालाबाग पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ बग्गी में तशरीफ रखे हुए हैं। मेन हॉल से बाएं जानिब ये बड़ा डाइनिंग हॉल है जो बड़े बड़े लीडर्स और मेहमानों की तवाज़ो कर चुका है। इस डाइनिंग हॉल में भी गैर मुल्की मेहमानों से वसूल किए गए तहाइफ और वो तलवारें भी दीवार पर लगाई गई हैं
जो मुख्तलिफ जंगों में इस्तेमाल हो चुकी हैं। इस बंगले की मेहमानदारी की एक ख़ास बात यह भी है कि खाने में इस्तेमाल होने वाले बर्तन चांदी के इस्तेमाल किए जाते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बोर्ड बंगला पर बनाई हुई ये तफसीली वीडियो पसंद आई हुई होगी।